हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का यह हमारा पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ ही हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग पर भी जो MCQs बनाए हैं उसके भी सब के पार्ट्स वन वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ ही हम इससे रिलेटेड जो भी थेरोटिकल कंसेप्ट होगा, थ्योरी होगी, वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा MCQs के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन ऑफ सिलेंडर इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सटेंशन मतलब क्या होता है और रिट्रैक्शन मतलब क्या होता है। बराबर, एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन, जब हमारा पिस्टन जो है, ये हमारा पिस्टन है और ये बाहर वाला हमारा सिलेंडर है, तो हमारा पिस्टन जब इस साइड मूव करेगा तो उसे हम एक्सटेंशन कह देंगे। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। जब ये साइड आएगा तो इसे हम रिट्रैक्शन कहेंगे। तो एरो मतलब क्या, ये साइड जा रहा है, ये साइड जा रहा है पिस्टन, तो ये किस पर, मतलब क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। बराबर, तो किस पर डिपेंड करेगा वो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल। जिस डायरेक्शन में हमारा ऑयल फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा। बराबर, तो जिस डायरेक्शन में हमारा ऑयल फ्लो होगा उस डायरेक्शन में हमारा पिस्टन मूव होगा, तो इसे कहते हैं एक्सटेंशन, इसे कहते हैं हम रिट्रैक्शन। तो किस पर डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ ऑयल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड ऑफ एक्चुएटर डिपेंड्स ऑन, एक्चुएटर की स्पीड जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं। तो एक्चुएटर मतलब हमारा सिलेंडर ही, सिलेंडर को हम एक्चुएटर कहते हैं, तो वो डिपेंड करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल पर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल मतलब हमारा होता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को ही हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल कहते हैं, क्यू से हम उसे डिनोट करते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा डिस्चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्पीड होगी एक्चुएटर की। तो किस पर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स डेवलप बाय एक्चुएटर डिपेंड्स ऑन, फोर्स किस पर डेवलप करते हैं। तो फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, सबसे पहले हम प्रेशर का फॉर्मूला देखेंगे। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, फिर यहाँ से फोर्स हमें मिलता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, जो जितना प्रेशर होगा ऑयल का, पिस्टन के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही हमें फोर्स ज़्यादा मिलेगा। बराबर, एरिया तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर ऑफ ऑयल पर डिपेंड करेगा। अभी नेक्स्ट हम वॉल्स पर, जो कंट्रोल वॉल्स है उस पर क्वेश्चन देखने वाले, तो उससे पहले आपको एक बेसिक क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। इस पर से आपके किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लासिफिकेशन के ऊपर भी किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से पूछा जा सकता है, ये हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल वॉल्स, कंट्रोल वॉल का जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, उसका जो फंक्शन होगा उसके हिसाब से होता है। प्रेशर कंट्रोल वॉल, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल और फ्लो कंट्रोल वॉल। बराबर, ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया हमारे, प्रेशर, डायरेक्शन, फ्लो। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ एक्चुएशन, एक्चुएशन के हिसाब से होता है, मैनुअली ऑपरेटेड, मैनुअली ऑपरेट होगा, एक तो होगा पायलट ऑपरेटेड डायरेक्टली या फिर सोलेनॉइड ऑपरेटेड। उसके बाद में तीसरा टाइप आता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन होगा वॉल का पॉपेट टाइप होगा, मतलब इसमें कॉनिकल पॉपेट जो हम कहते हैं वो आ सकता है, स्पूल टाइप होगा। बराबर, तो ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से। बराबर, किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, तो मेन वॉल कौन से हमारे, ये हमें ज़्यादा फोकस करने हैं इतने तीन वॉल्स पर। तो इसके भी एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। अगर हम डायरेक्शन कंट्रोल वॉल की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले चेक वॉल और फिर डायरेक्शन कंट्रोल वॉल आते हैं, 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, 3x2, 4x2 वॉल, 5x2 वॉल, 4x3 वॉल। तो इस तरह के इनके नाम होते हैं। चेक वॉल भी क्या है हमारा, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है। उसके बाद में फ्लो कंट्रोल वॉल में आते हैं फिक्स्ड रेस्ट्रिक्शन, फिक्स्ड रेस्ट्रिक्शन फ्लो कंट्रोल वॉल। फिर आता है वेरिएबल रेस्ट्रिक्शन, फिर आता है फ्लो कंट्रोल वॉल विथ रिवर्स फ्री फ्लो। तो ये रिवर्स फ्री फ्लो क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। फिर आता है टेम्परेचर कंपेंसेटेड, टेम्परेचर कंपेंसेटेड वॉल।
प्रेशर कंपेंसेटेड वॉल। तो इस तरह के वॉल्स होते हैं हमारे। अब प्रेशर कंट्रोल वॉल में भी क्या क्लासिफिकेशन आता है तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेशर कंट्रोल वॉल। इनमें से कौन सा प्रेशर कंट्रोल वॉल नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रेशर कंट्रोल वॉल कौन से प्रेशर कंट्रोल वॉल का क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ। तो इसमें आता है हमारा रिलीफ वॉल आता है, रिड्यूसिंग वॉल आता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। थर्ड नंबर पे आता है हमारा अनलोडिंग वॉल। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा काउंटर बैलेंस वॉल। और फिफ्थ आता है हमारा सीक्वेंस वॉल। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे प्रेशर कंट्रोल वॉल है। तो इसमें रिलीफ वॉल दिख रहा है, रिड्यूसिंग वॉल दिख रहा है, सीक्वेंस वॉल दिख रहा है, तीनों के तीनों हमारे प्रेशर कंट्रोल वॉल में आते हैं। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्या पूछा गया है? नॉट अ प्रेशर कंट्रोल वॉल। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि इसमें कोई डायरेक्शन कंट्रोल वॉल दिए होंगे ऑप्शन में, या फिर फ्लो कंट्रोल वॉल, एक प्रेशर कंट्रोल वॉल दिया होगा, और तब पूछेंगे इसमें से कौन सा प्रेशर कंट्रोल वॉल है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाना सीखिए आप, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा कि मतलब किस तरह का एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काउंटर बैलेंस वॉल इज, तो काउंटर बैलेंस वॉल कौन से टाइप में आता है? तो देखिए डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में तो नहीं आता, फ्लो कंट्रोल में आप भी हमने देखा था प्रेशर कंट्रोल वॉल पांच टाइप के, उसमें क्या आता है हमारा काउंटर बैलेंस वॉल। काउंटर बैलेंस वॉल क्या है हमारा? प्रेशर कंट्रोल वॉल है। नेक्स्ट देखते हैं चेक वॉल इज, चेक वॉल क्या है हमारा? अब पांच टाइप कौन से हमें तो पता है प्रेशर कंट्रोल वॉल के, पांच टाइप कौन से? रिलीफ वॉल, रिड्यूसिंग वॉल, अनलोडिंग वॉल, काउंटर बैलेंस वॉल बराबर, और सीक्वेंस वॉल। फ्लो कंट्रोल वॉल में तो नहीं आता, चेक वॉल किस में आता है? तो हमारा चेक वॉल आता है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में बराबर। तो इस तरह का उसका सिंबल होता है चेक वॉल का, इस तरह का ऐसा सिंबल होता है, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं बराबर। सिंबल्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्न करने हैं, सिंबल्स आपको बहुत से 6 से 7 मार्क को तो सिंबल ही पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्स डेवलप बाय एक्चुएटर ड्यूरिंग एक्सटेंशन इज गिवन बाय। अभी हमने देखा था एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में होता है, ये हमारा पिस्टन है बराबर, ये हमारा पिस्टन रॉड है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ये जो पिस्टन का रॉड है इसका एरिया है स्मॉल ए बराबर, यहाँ पर जो एरिया है इतना, ये स्मॉल ए एरिया है, और ये जो एरिया है ये कैपिटल ए एरिया है। अब एक्सटेंशन स्ट्रोक इस डायरेक्शन में होगा, एक्सटेंशन स्ट्रोक इस डायरेक्शन में होगा, तो प्रेशर इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा इस एरिया के ऊपर, कैपिटल ए के ऊपर बराबर, प्रेशर इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। हमें पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन हमें क्या पूछा गया? फोर्स, तो एरिया मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मतलब प्रेशर इंटू एरिया। एरिया कौन सा लिया हमने? पिस्टन का एरिया। ये जो एरिया है हमारा पूरा का पूरा, ये साइड का राइट साइड का जो एरिया है जिस पर हमारा प्रेशर एक्ट हो रहा है वो एरिया कितना है? ए बराबर। तो कितना एरिया आता है हमारा? कैपिटल ए जो एरिया है वो हमारा आता है एक्सटेंशन के अंदर। अगर हम रिट्रैक्शन की बात करते हैं तो रिट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? ये तो पूरा का पूरा जो पिस्टन रहेगा इस तरीके का, देखिए अगर इसका व्यू देखना है तो ये एरिया, ये स्मॉल ए, ये कैपिटल ए, और हमें कौन सा चाहिए? ये बचा हुआ एरिया चाहिए बराबर। तो ये आ जाएगा ए माइनस ए रिट्रैक्शन स्ट्रोक के लिए। तो रिट्रैक्शन स्ट्रोक के लिए हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया कौन सा रहेगा? ए माइनस ए जो बचा हुआ एरिया है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है? एक्सटेंशन स्ट्रोक के लिए। तो एक्सटेंशन स्ट्रोक के लिए हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ना कि प्रेशर डिवाइड बाय एरिया, वो हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। और प्रेशर मल्टीप्लाई बाय ए माइनस ए किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा रिट्रैक्शन के लिए। रिट्रैक्शन स्ट्रोक के लिए फोर्स इस तरह से निकालेंगे, प्रेशर ए माइनस ए, ए माइनस ए क्यू, ये पिस्टन का एरिया और ये पिस्टन के रॉड का एरिया, ये जो रॉड है उसका एरिया हम माइनस करेंगे, तो इस तरह से दिखेगा। देखिए सर्कुलर पिस्टन होता है हमारा, उसमें से सर्कुलर रॉड का एरिया हम माइनस करेंगे, तो इतने ऊपर ही ये साइड से क्या अप्लाई होगा हमारा? प्रेशर अप्लाई होगा बराबर, इसके ऊपर तो नहीं होगा ना, तो इस साइड में इतने एरिया पर हमारा प्रेशर अप्लाई होगा। तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है फोर्स, और एरिया कौन सा लिया? ए माइनस ए रिट्रैक्शन स्ट्रोक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी उसी तरह से क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग रिट्रैक्शन डिस्चार्ज कितना होगा? तो डिस्चार्ज क्यू से हम डिनोट करते हैं, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी बराबर रेट ऑफ फ्लो, भी इसे कहते हैं फ्लो रेट, भी इसे कहते हैं
मीटर क्यूब पर सेकंड में इसे गिनते हैं, इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। लेकिन रिट्रैक्शन स्ट्रोक के लिए अभी हमने देखा एरिया क्या लेना है हमें, रिट्रैक्शन स्ट्रोक के लिए एरिया लेना है ए माइनस ए इंटू दी वेलोसिटी। कौन सा आ जाएगा, ए माइनस ए इंटू दी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और ये जो डिस्चार्ज है ये किसके लिए होगा, एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन स्ट्रोक के लिए ये हो जाएगा, रिट्रैक्शन स्ट्रोक के लिए ये डिस्चार्ज हो जाएगा। इन न्यूमेटिक सिस्टम डैश डैश इज यूज, न्यूमेटिक सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कॉम्प्रेस्ड एयर। कॉम्प्रेस्ड एयर हम यूज़ करते हैं न्यूमेटिक में, और ऑयल अंडर प्रेशर यूज़ करते हैं हम हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर। हाइड्रोलिक में हम यूज़ करते हैं ऑयल अंडर प्रेशर, कॉम्प्रेस एयर यूज़ करते हैं हम न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर। हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स आर जनरली मेड अप ऑफ, तो देखिए हाइड्रोलिक कंपोनेंट को क्या है, ज़्यादातर वो स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, स्ट्रॉन्गर एंड हेवी होने चाहिए, बराबर, क्योंकि उन्हें हाई प्रेशर के अंदर वर्क करना पड़ता है, वेरी हाई प्रेशर के अंदर, बराबर, वेरी हाई प्रेशर के अंदर उसे वर्क करना पड़ता है। किसे, हाइड्रोलिक कंपोनेंट को, हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स को वेरी हाई प्रेशर के अंदर वर्क करना पड़ता है, उसके लिए उसके कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्गर एंड हेवी होने चाहिए, इसीलिए हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्टील। इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलिक कंपोनेंट का हो जाएगा स्टील। अगर हमें न्यूमेटिक के लिए पूछते तो न्यूमेटिक के लिए हम यूज करते हैं लाइटर, बराबर। लाइटर कंपोनेंट जो होते हैं लाइट वेट होने चाहिए, जैसे कि होता है हमारा एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, क्योंकि इन्हें प्रेशर कितना झेलना पड़ता है, 5 bar के आसपास, 5 bar से कम ही प्रेशर होता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम जो यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक, वो यूज़ करते हैं हम न्यूमेटिक सिस्टम के लिए। और स्टील किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोलिक के लिए। हाइड्रोलिक कंपोनेंट स्टील के बने होते हैं ज़्यादातर, और एल्यूमिनियम प्लास्टिक हम न्यूमेटिक कंपोनेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर कम लगता है, इसमें हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर की वजह से हम स्टील यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर शुड बी कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग द कंट्रोल वॉल। कंट्रोल वॉल सेलेक्ट करने से पहले कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए, तो टेम्परेचर भी हम चेक करते हैं, टेम्परेचर ऑफ ऑयल, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हमें चेक करनी पड़ती है, स्पेस रिक्वायरमेंट भी हमें कंसिडर करनी पड़ती है, कम से कम स्पेस में हमारा वॉल फिट होना चाहिए, उसके बाद में हम जो फ्लो रेट पर भी डिपेंड करता है, उसके बाद में स्पीड पर भी डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ एक्चुएटर, उसके बाद में प्रेशर जो होता है, उसके बाद में फोर्स जो होता है, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब क्या है, हमारे फैक्टर्स है जो कि हम कंसिडर करते हैं कंट्रोल वॉल सेलेक्ट करने से पहले। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दी अबव, तीनों के तीनों तो है ही, उसके साथ साथ ये भी है बाकी। व्हाट इज फंक्शन ऑफ एफसीवी, एफसीवी मतलब क्या है, फ्लो कंट्रोल वॉल, वो क्या करेगा, फ्लो रेट ऑफ ऑयल जो होगा, डिस्चार्ज जो होगा वो कंट्रोल करता है, बराबर, डिस्चार्ज कंट्रोल करेगा। तो उसका फंक्शन क्या है, फ्लो कंट्रोल वॉल कैन एडजस्ट द फ्लो रेट ऑफ ऑयल। फ्लो रेट ऑफ ऑयल क्या करेगा, एडजस्ट, डायरेक्शन से उसका कुछ लेना देना नहीं होता, उसके लिए डायरेक्शन कंट्रोल वॉल लगते हैं, फ्लो कंट्रोल वॉल सिर्फ एडजस्ट करता है फ्लो रेट ऑफ ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिटर्न टाइप वॉल, तो नॉन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन रिटर्न टाइप वॉल। आपको बता दूं, चेक वॉल को ही हम कहते हैं नॉन रिटर्न टाइप वॉल। हम किसे कहते हैं, चेक वॉल को ही हम क्या कहते हैं, नॉन रिटर्न टाइप वॉल कहते हैं। टू कंट्रोल द फोर्स डेवलप बाय हाइड्रोलिक एक्चुएटर विच वॉल इज यूज, देखिए अभी फोर्स जाया जाएगा, तो फोर्स किससे रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम तो प्रेशर कंट्रोल वॉल ही लगाएंगे। फ्लो कंट्रोल वॉल किससे रिलेटेड है, डिस्चार्ज से रिलेटेड है। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल डायरेक्शन से रिलेटेड है। प्रेशर कंट्रोल वॉल फोर्स से रिलेटेड है, मतलब फोर्स कब एक्ट होगा, जब उस पर कुछ प्रेशर एक्ट होगा तभी हमारा फोर्स डेवलप होगा, तो वो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर कंट्रोल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वॉल वर्किंग फ्लूड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है फ्लूड, तो वो चेक वॉल के अंदर होता है। अब हम चेक वॉल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए
चेक वॉल का सिंबल मैं आपको बता दूं तो इस तरह का होता है। सपोज ये ए पोर्ट हमारा, ये बी पोर्ट, तो हमारा ऑयल जो है वो इस डायरेक्शन में तो फ्लो होगा, बराबर ऑयल फ्लो होगा, प्रेशर की वजह से ये लिफ्ट होगा और हमारा ऑयल फ्लो होगा। लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में ऑयल फ्लोज फ्रीली, ऑयल कैन नॉट फ्लो, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ऑयल कैन नॉट फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में। उसके लिए हमें एक तो पायलट लगाना पड़ेगा, बराबर। तो एक ही डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में किस में फ्लो होता है, तो वो होता है चेक वॉल के अंदर। इसी डायरेक्शन में राइट साइड में वो फ्लो करेगा, ये बॉल जो है ये लिफ्ट करेगा यहाँ से, फिर हमारा ऑयल फ्लो होगा। अगर हम इस डायरेक्शन में ऑयल फ्लो करेंगे तो वो नहीं होगा, इसलिए ओनली इन वन डायरेक्शन ऑयल फ्लो चाहिए। तो हम क्या यूज़ करते हैं, चेक वॉल यूज़ करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिवर्स फ्री फ्लो। इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स फ्री फ्लो के लिए यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, रिवर्स फ्री फ्लो के लिए हम चेक वॉल यूज़ करते हैं। रिवर्स फ्री फ्लो के लिए हम चेक वॉल यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी हमें रिवर्स फ्री फ्लो है, जैसे कि हमने देखा था फ्लो कंट्रोल वॉल विथ रिवर्स फ्री फ्लो। तो इसके पैरेलल में हम क्या लगाएंगे, चेक वॉल लगाएंगे इस तरह से, बराबर। मतलब कि हमें रिवर्स डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, फ्लो मिलेगा ओनली इन वन डायरेक्शन, क्योंकि इसमें से दूसरा डायरेक्शन में ऑयल फ्लो नहीं होता है। तो इस पर क्या क्या पूछा जा सकता है, तो रिवर्स फ्री फ्लो के लिए कौन सा वॉल यूज़ करते हैं, तो चेक वॉल यूज़ करते हैं। वन डायरेक्शन में फ्लो चाहिए तो कौन सा यूज़ करते हैं, तो चेक वॉल यूज़ करते हैं। नॉन रिटर्न टाइप मतलब जिसमें वापस रिटर्न ऑयल नहीं आएगा, नॉन रिटर्न टाइप किसे कहते हैं, तो वो भी चेक वॉल को कहते हैं। और सिंबल पूछा जा सकता है, तो चेक वॉल का सिंबल इस तरह से होगा। ये सिंबल भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। थैंक यू।